देखिए, सबसे पहले वर्ष 2006 के अंदर पंजाब सरकार ने अपने स्टेट में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एससी एसटी वर्ग के कुछ वर्गों को विशेष रूप से आरक्षण के अंदर संवर्गीकरण का लाभ देने का निर्णय किया था। उसके बाद में पंजाब सरकार के फैसले को पंजाब और हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय ने 2010 में निरस्त कर दिया था और उसके बाद पंजाब सरकार ने इसको माननीय उच्चतम न्यायालय में इसके अगेंस्ट में वो गए। तब से लेकर अभी तक एससी एसटी के जो संवर्गीकरण है उसके अंदर निर्णय हुआ नहीं था। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है जिसमें एससी एसटी वर्ग में सब क्लासिफिकेशन का निर्णय 6-1 की जजों की बेंच ने पास किया। मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का एक फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का था जिसमें उन्होंने कहा था कि एससी एसटी वर्ग के अंदर उपवर्गीकरण किया जाना संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के खिलाफ है। 2004 से लेकर 2024 तक हमेशा एससी एसटी वर्ग में सब क्लासिफिकेशन जो है नहीं हुआ, इसी आधार पर फैसले होते आए। लेकिन अभी 1 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि एससी एसटी के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन वो किया जाए, जैसा ओबीसी में क्रिमिनल का है उसके आधार पर भी किया जाए। और ये जो फैसला है ये 6-1 की बेंच ने किया, 6-1 की सहमति के आधार पर किया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो संवर्गीकरण का फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो भी निर्णय केंद्र सरकार करेगी राज्य सरकार भी उस निर्णय के साथ में रहेगी। और वैसे संविधान के अंदर जो एससी एसटी वर्ग को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण का लाभ मिला है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए राज्य सरकार इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को भी हम राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। सर, राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार उपवर्गीकरण को लेकर कुछ करने जा रही है और या फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना मानी जा रही है? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे। हम संविधान के अंदर किसी भी जो कानून सम्मत बात होती है उसकी बात करते हैं और कानूनी पहले को विचार करने के बाद में राज्य सरकार वो निर्णय करेगी जो केंद्र सरकार का निर्णय होगा। उस विषय के अंदर जो हमारा संविधान कहता सबको साथ देकर चलने का, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वास्तव में जिनको जरूरत है, उन लोगों को भी सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय के साथ में है और सभी समाज को साथ लेकर चलने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आप लोगों के पास आई है कि इस तरीके से वर्गीकरण किया जाएगा या फिर? देखिए, अभी हाल ही में 1 अगस्त को ही ये फैसला हुआ है और अभी हम लोग इस विषय पर कानूनी पहले पर बातचीत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से भी केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा और कानून के संबंध जो भी होगा, संविधान के अनुसार जो भी निर्णय होगा वो राज्य सरकार इस फैसले को करेगी। सबसे पहले अपने मुस्लिम वर्ग ओबीसी में जो शामिल है उसके लिए, देखिये, मैंने पहले ये कहा था कि जब माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का जब एक फैसला आया था कि किसी धर्म विशेष के आधार पर संविधान के खिलाफ जाकर किसी धर्म को या धर्म की जातियों को हम आरक्षण नहीं दे सकते, कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय को निरस्त किया था। तब मैंने कहा था कि भाई हम लोग भी इसकी फाइल मंगवा रहे हैं और राजस्थान में जब 1998 से लेकर 2013 के बीच में कुछ जातियों को हमारे सुनने में आया है कि धर्म के आधार पर उनको आरक्षण दिया गया है ओबीसी वर्ग के अंदर, मैंने ये कहा था फाइल मंगवाएंगे, फाइल मंगवा के हम लोग उसका परीक्षण करेंगे। अब क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया, फाइल हमारे पास में बहुत जल्दी आने वाली है, उसका हम लोग उच्च स्तर पर परीक्षण करेंगे और सक्षम स्तर से सरकार के स्तर तक माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पर परीक्षण करने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा, कानून के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा, उस पर निर्णय करेंगे। सर, ये जब से निर्णय आया उसके बाद से ये भी भय आम जनता में देखा जा रहा है कि कहीं रिजर्वेशन खत्म ना हो जाए, तो उसका कैसे? देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से ये नैरेटिव सेट किया था लोकसभा चुनाव के अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 के पार ये बहुमत में आ जाएगी तो संविधान को
बदल देंगे, संविधान में बहुत परिवर्तन कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये जो नैरेटिव फैला था इसका बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से राजस्थान प्रदेश की जनता को इतना विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण हम कभी खत्म करने के पक्ष में नहीं है। संविधान के वंचित वर्गों को उनके अधिकार देने के लिए, उनको वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो अधिकार दिया गया आरक्षण का, उसके सदैव हम लोग पक्षधर हैं। कभी आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हम आरक्षण के खिलाफ में नहीं है और जो आरक्षण पूर्व की तरह चल रहा है हम उसके साथ हैं। सर, राज्य सरकार का ये उनसे इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करती है तो अंतिम वर्ग तक जो है इस क्रिमिनल लेयर के तहत फायदा पहुंच पाएगा, तो राज्य सरकार इस पर टेक क्यों नहीं ले रही? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम केंद्र सरकार के जो भी निर्णय आएगा, केंद्र सरकार के निर्णय के साथ में है। केंद्र सरकार जो भी फैसला देगी वो उन सभी जातियों के फायदे के लिए और उनके हित के लिए होगा। और हम कानूनी पहलू पर विचार कर रहे हैं। कानूनी पहलू पर विचार करने के बाद में जो हमारे एजी हैं उनसे बात करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री तक भी ये बात संज्ञान में है और निश्चित राजस्थान सरकार के चयन है केंद्र सरकार के साथ में।